नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं रामगोपाल धनगर। देखिए हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर सबसे तेज, सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। मृतक महिला के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। बिजनौर किरतपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से बात की। कई दिनों से महिला बीमार चल रही थी। महिला के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में देखिए। मिली जानकारी के अनुसार U0P0-112 पर कॉल द्वारा थाना किरतपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम खटाई में नसीम के यहां पर गोकशी होने के संबंध में सूचना दी गई थी। सूचना पर PRV व स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा घर की तलाशी ली गई। वहां गोकशी जैसी घटना का होना नहीं पाया गया तथा न ही कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस टीम वापस आ गई थी। कुछ समय पश्चात सूचना प्राप्त हुई कि नसीम की पत्नी रजिया उर्फ छोटी उम्र करीब 55 वर्ष की मृत्यु हो गई है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त महिला काफी समय से सांस की बीमारी से ग्रसित थी तथा देहरादून से नियमित रूप से उपचार चल रहा था। स्थानीय पुलिस द्वारा मृत्यु का वास्तविक कारण ज्ञात करने के लिए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि U0P0-112 पर भ्रामक सूचना देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। थाने में मीमो पहुंच गया इसका, अस्पताल वालों का। अब फिर मांग पे आप क्या बताओगे? प्रधान काम के जिम्मेदार आदमी लोग आप थाने के आप देंगे। अब आप काम के प्रधान हैं, आप नहीं बता रहे। आपको कोई लग रहा है कोई चीज? एप्लीकेशन लिख दे दीजिए। आप ये लिखो ना, प्रधान से बोर्ड भेजो ये मोर्चे। आप अपनी प्रधान लिखो, थाने लिखो, भाई भाई थाने लिखो। दो प्रधान जी, क्या नाम है आपका? फरहाना। अच्छा, तो कहने लगे कि गोश्त हमारे घर में, हमारे घर में गोश्त नहीं है ना, फ्रिज दिखाओ। फ्रिज दिखा दिया, इन्होंने मना करी, अने कुछ नहीं। इनके साथ में हाथापाई करी, इन्हें धक्का मुक्का दिया, पीछे गिर गई। तो ये कहाँ से गिरी थी? इन्हें घर पे गिरी है। अच्छा, बस पीछे गिर गई, ये खत्म हो गई। आपने किसी से बात करी? क्या मामला जो आप यहाँ आए हो?
अरे हमारे पास बड़ी है तुम्हारे नाम से, तुम्हारे घर में गोश्त है, माँ तो देख लो भाई कहाँ है सारा घर पड़ा, सारे में ढूंढ भी लिया जब भी। कितने पुलिस वाले थे? 6-7 अकरम अकरम ईशु बनाने चौकी बताया था क्या? चौकी से एक फोन नंबर थी, हमने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मना करते हैं कि तुम मतलब नहीं तुम्हारे बिना नहीं करेगा। तो आप कहाँ रहते हो? अच्छा मोहसिन भाई का। अच्छा अच्छा ठीक, किसी की नहीं सुनो उन्होंने, अपनी जांच करते रहे। मीट इतने घर में मिला नहीं, पक्का हुआ मीट मिला और मीट तिरतपुर से मिल जा सकता है, आप ये लिए मीट वहाँ से मौजूद है, हटिया पर्ची रखेगा आदमी सारे शहर में सारे उसमें बनना भी, जितने मुखबरी करी उनके सामने लो हमारे, कौन मुखबर सामने ले को। तो कोई तहरीर दी, कोई तहरीर या कोई करा आपने, कोई मुकदमा? थाने जाएगा हम, अभी हमारे सबके साथ मिल के जाएगा थाने में, हम तहरीर देंगे। बिना लेडीज के किसी घर में जांच करना अलाउ है क्या थाने की तरफ से, सरकार की तरफ से? किसी घर में कुछ जो अंतर डरे, लेडीज पुलिस साथ मौजूद, दो लेडीज मौजूद, तीन के लड़के रहे सारे इधर, उनका नाम लिख के ले गए, उनकी क्या गलती? क्या घोष कर रहे हैं बैठे हुए, उनका नाम लिख के ले गए? जो महिला की आज यहाँ डेट थाना क्षेत्र कीरतपुर के ग्राम खटाई की घटना है। यूपी 112 पर कॉल आई थी कि गांव के रहने वाले नसीम के यहाँ गौकशी है, हो रही है। इस सूचना पर यूपी 112 और चौकी के कांस्टेबल पहुँचे थे। वहां पर एक महिला है जो व्रत हैं, करीब 55 साल की उनकी उम्र है। उनको पंखा लोग चला रहे थे गर्मी की, बाद में लोग तलाशी लेकर वहाँ से चले आए थे। बाद में कुछ समय बाद इनके परिजनों द्वारा सूचना दी गई कि जो महिला थी उनकी मृत्यु हो गई है, उसको इकट्ठे हो गए तो उनसे बातचीत करके उनको समझाया गया है। जो यूपी 112 पर जिसने गलत कॉल की थी उसका पता किया जा रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो महिला के संबंध में जानकारी की गई तो ये लोगों ने बताया कि उनको सांस की बीमारी थी और देहरादून से उनका इलाज चल रहा था, नियमित रूप से वो दवाइयाँ खा रही थी। उनका मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अन्य कार्रवाई कराई जा रही है।